हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट टू डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट फीमेल व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नाम के साथ मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, द इक्वेशन वी बाई डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये जो है इक्वेशन है, ये बर्नौली इक्वेशन इसको कहा जाता है। बर्नौली इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए जो एजम्पशन है, फ्लो जो है लॉन्ग स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, फ्लो इज स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। थर्ड है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन विस्कस फोर्स जो है नेग्लिजिबल होना चाहिए, डैट इज फ्लूड जो है आइडियल होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है स्टेडी, फ्रिक्शन लेस, इनकम्प्रेसिबल एंड अलॉन्ग स्ट्रीमलाइन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, द इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट। ऑप्शन है, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, इंक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर, डिक्रीज कंफर्ट फॉर पैसेंजर। द करेक्ट आंसर इज, तो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई बाय डब्ल्यू जी एम। जी एम यहाँ पे है मेटासेंट्रिक हाइट। इफ टी इज मोर, कम्फर्ट इज मोर। अगर मेटासेंट्रिक हाइट अगर लेस होगा तो टी जो है इंक्रीज करेगा, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इंक्रीज करेगा, जिससे जो है कम्फर्टनेस जो है पैसेंजर का वो जो है इंक्रीज करेगा। तो मेटासेंट्रिक हाइट अगर इंक्रीज करेगा तो टी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिससे जो है पैसेंजर का कम्फर्टनेस जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होने से डिक्रीज कम्फर्ट फॉर पैसेंजर होगा, तो ऑप्शन फोर करेक्ट है। उसके बाद है, मेटासेंट्रिक हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन वन और फोर जो है स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी में वन एंड फोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज। ऑप्शन ए है कॉन्साइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है कॉन्साइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, सी जी ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ़ द वेट ऑफ अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूड एक्सीड्स द बॉइंट फोर्स देन द बॉडी विल। बॉइंट फोर्स क्या होता है, बॉइंट फोर्स ऑलवेज एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, देयर कैन बी नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट बॉइंट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर बॉइंट फोर्स लेस होगा और वेट ऑफ बॉडी जो है इमर्ज जो है एक्सीड करेगा, तो क्या होगा, बॉडी जो है सिंक कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ए वर्टिकल ट्राइंगुलर एरिया विथ वर्टेक्स डाउनवर्ड एंड एल्टीट्यूड एच हैज इट्स बेस लाइंग ऑन द फ्री सरफेस। बेस जो है लाइंग है फ्री सरफेस पे ऑफ अ लिक्विड। द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, यहाँ पे ट्राइंगुलर दिया हुआ है और बेस जो है ऊपर में है, टॉप सरफेस पे है। तो सी पी जो है सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा एच सी प्लस आई सी जी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सी जी के बाय ए एच सी। तो यहाँ पे एच सी जो है टॉप सरफेस से जो है सी जी का डिस्टेंस जो है एच बाई थ्री होगा। तो एच बाई थ्री प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है ट्राइंगुलर का होता है बी एच क्यू बाई 36, बी एच क्यू बाई 36 बाय एरिया जो है बी एच बाई टू हो जाएगा इंटू एच सी जो है यहाँ पे एच बाई थ्री है। तो सॉल्व करने के बाद जो है एच बाई टू आ रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सर्फेस इमर्ज वर्टिकली इन अ स्टेटिक मास ऑफ फ्लूइड इज। ऑप्शन है, एट द सेंट्रॉइडल ऑफ सबमर्ज्ड एरिया, ऑलवेज अबव द सेंट्रॉइडल ऑफ एरिया, ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइडल ऑफ एरिया। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सी पी इक्वल टू एच सी प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एच सी। तो यहाँ पे जो है सेंट्रॉइडल में ऐड हो रहा है, तो उससे तो नीचा होगा, मतलब डेप्थ में होगा, बिलो होगा एच सी के सेंट्रॉइडल के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइडल ऑफ एरिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन ओपन टैंक कंटेंस वन मीटर डीप वाटर विथ 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट इट अबव इट, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक विल बी। इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट बॉटम हो जाएगा 0.5। यहाँ पे जो है ऑयल
ऑयल का है जो डेप्थ है 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर हो गया। 0.5 इंटू 0.8 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इंटू 10 जो है हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो 0.5 इंटू 0.8 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वाटर का 1 होता है और डेप्थ 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रेशर इंटेंसिटी सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ऑप्शन ए है ओनली व्हेन फ्लूड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। सेकंड ऑप्शन है बी ओनली व्हेन फ्लूड इज फ्रिक्शनलेस एंड इज एट रेस्ट। ओनली व्हेन फ्लूड इज फ्रिक्शनलेस ऑप्शन डी है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूड लेयर रिलेटिव टू अदर। नो रिलेटिव मोशन के केस में जो है प्रेशर इंटेंसिटी जो है ऑल डायरेक्शन में सेम होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ हील इज द डिस्टेंस बिटवीन। मेटासेंट्रिक हाइट जो है डिस्टेंस बिटवीन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ए है व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो। ऑप्शन बी है व्हेन द मेटासेंट्रिक इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन ए में दिया है मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो। अगर मेटासेंट्रिक हाइट जीरो होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। ऑप्शन बी है व्हेन द मेटासेंट्रिक हाइट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब मेटासेंट्रिक हाइट जो है अबव होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर फ्लोटिंग बॉडी एम अबव जी होगा तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसमें जो है बी एम ग्रेटर देन बी जी होगा, मेटासेंट्रिक हाइट जी एम जो है पॉजिटिव आएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर एम बिलो जी होगा, एम जो है बिलो जी होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जी से गरीब लोग, अगर गरीब लोग नीचे रहेंगे और एम जो है ऊपर रहेगा तो स्टेबल होगा, और जी अगर ऊपर आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा व्हेन द मैटर सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन 11 है द पॉइंट इन द इमर्ज्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। रिजल्टेंट प्रेशर जो एक्ट होता है उसे हम उस लाइन को हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ अ वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू जी देन द ऑप्शन ए है द प्रेशर थ्रूआउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन बी है देयर विल बी वैक्यूम इन द लिक्विड। ऑप्शन सी है द प्रेशर इन द लिक्विड मास इज ग्रेटर देन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो है इक्वल टू जी है तो पी ए इक्वल टू होता है रो जी माइनस ए जेड एक्सेलरेशन इनटू एच। तो जी माइनस जी जीरो हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा थ्रू आउट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन अ लिक्विड रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एज अ रिजिड बॉडी द प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज। तो यहाँ पे जो है प्रेशर इंटेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है तो ये यहाँ पे जो है रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा वेरिएशन। तो ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस।